नमस्कार दोस्तों, हम लोग का ऑनलाइन क्लासेस अभी चल रही है। आप लोग चाहो तो एडमिशन ले सकते हो। तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ नंबर पे आप मुझे कॉल करके डायरेक्टली बात कर सकते हो कोर्स के बारे में, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ एक इंक्वायरी फॉर्म है उसको आप फिलअप कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू। तो हमारे पास एक स्टूडेंट का बना हुआ एक मॉडल है, इसमें लोग वेरी करेंगे, रियलिस्टिक से निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे इसके अंदर में हमारा वेरी सेटिंग है या नहीं है। तो उसके लिए F10 प्रेस करेंगे एंड देखेंगे हमारा सेटिंग क्या क्या है इसके अंदर में। तो ये हमारे पास सेटिंग आ गया और ये वेरी सेटअप किया हुआ है, चेक करते प्रॉपर है या नहीं। हाँ, ये बकेट है, इमेज फिल्टर में कैटमल रूम सही है, और ये नॉइज थ्रेशोल्ड को करेंगे 001 ताकि हमारा जो सीन है वो नॉइजनेस ना आए और बाकी क्लियरिटी आए इसके अंदर में। और इसको ऑन करना बहुत जरूरी है, इसका नाम है यूज लोकल सब डिविजन। इसको ऑन करेंगे तो हम लोग अपना मर्जी से सब डिविजन को बढ़ा सकते हैं ताकि हमारा रियलिस्टिक सीन जैसा आए। और ये बेसिकली सब डिविजन बढ़ाते हैं ताकि हमारा कहीं नॉइजनेस आए या फिर कहीं से लाइट एमिट करता है घर के अंदर में तो कोई ब्लरनेस ऐसा आता है तो हम लोग इसको बढ़ा सकते हैं। तो इसको हम लोग दिखाएंगे मटेरियल में कैसे करेंगे। और एनवायरनमेंट हम लोग यहाँ पे ऑफ कर रखेंगे फिलहाल के लिए, जब सन लगाएंगे तब यहाँ पे ऑन करेंगे। और ये एक सही है, और जी आईकॉन रेडियंस मैप इसको हम लोग करेंगे लो रेंडर में। करंट प्रीसेट को रखेंगे लो ताकि हमारे में फास्ट हो, और इसको हम लोग रखेंगे, हाँ ये ठीक है। तो सबसे पहले इस सीन को हम लोग क्या करेंगे ना, एक हम लोग कैमरा लगाएंगे। इसके अंदर कैमरा नहीं है, अनहाइडोल इसके अंदर में कोई कैमरा नहीं है। सीन प्रेस करेंगे तो देख पाओगे यहाँ लिखा है नो कैमरा सीन। तो हम लोग कैसे लगाएंगे कैमरा, टी प्रेस करेंगे, टी फॉर टॉप, और फिर हम लोग यहाँ पे कैमरा लगाते हैं। एक सेकेंड, कैमरा तो F3 प्रेस करके। और एक चीज में आज हम दिखाते हैं न्यू चीज, वो है कैमरा में क्लिपिंग कैसे करते हैं। क्लिपिंग आज दिखाएंगे नया चीज। तो मानो तुम्हारा कैमरा अगर बाहर में है तो बाहर में कैमरा रहते हुए भी हम लोग अंदर का चीज देख सकते हैं क्लिपिंग करके। तो वो कैसे होती है, कैमरा के अंदर में जाएंगे इस तरीके से, वीरे लेंगे, वीरे फिजिकल कैमरा, और वीरे फिजिकल कैमरा को बाहर में इस तरीके से स्ट्रेच करेंगे ना। हाँ आ गए क्या रोहित जी? हेलो, ओके ओके। तो हम लोग कैमरा सिखा रहे हैं, कैमरा ले लिए, कैमरा को हम लोग सी प्रेस करेंगे, कैमरा के अंदर में आ जाएंगे ये देखो। बट हम लोग का कैमरा बाहर लगा हुआ है ये देखो, लेकिन फिर भी हमारा जो घर में देख नहीं पा रहे। तो हम लोग क्लिपिंग कैसे करते हैं, तो मॉडिफाई में जाएंगे, एकदम लास्ट में देखो एक क्लिपिंग का ऑप्शन मिलेगी। ये रहा क्लिपिंग। ये क्लिपिंग के क्या होता है कि कैमरा को हम लोग, ये बेसिकली अगर कहीं पे सीन कट जाता है, छोटा सा रूम है, मानो तुम्हारे पास छोटा सा रूम है बट उसका पूरा सीन देखना है तो हम लोग क्लिपिंग यूज करते हैं। तो इसको जैसे बढ़ाएंगे, नंबर को इंक्रीज करेंगे, तुम देख पाओगे कैमरा में एक रेड कलर का एक लाइन आ रही है देखो। जैसे लाइन क्रॉस करेगी दीवार को तो वो हमारा रूम दिखाना शुरू हो जाएगा ये देखो। ये हम लोग यूज बहुत काम का चीज है, ये बेसिकली हम लोग यूज करते हैं जब हमारा छोटा सा रूम हो, जैसे किचन हो गया, बाथरूम हो गया, तो हम लोग क्लिपिंग यूज करके हम लोग सीन को दिखाते हैं देखो। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें थोड़ी सी और कर लेते हैं, और ये क्लोज फील्ड का यूज करेंगे थोड़ा सा। बट फिर भी हमारा दीवार कट जा रहा है तो हम लोग कैमरा को ये स्ट्रेट नहीं रखे, हम लोग कैमरा को डिलीट करते हैं, प्रॉपर नहीं आया कैमरा। तो उसके लिए क्या करते हैं, पहले तो हमारा ये चीज नहीं चाहिए इसलिए इसको हम लोग हाइट कर लेते हैं, सामने का चीज। अभी तो मेरे को इसका रेंडर नहीं चाहिए तो इसको मैं हाइट कर लेता हूँ, जो भी सब्जी उब्जी फ्रूट्स है तो इसको मैं सिर्फ हाइट करता हूँ, इसे सब कोई जरूरत नहीं है। ऑल दबा के अनसेलेक्ट, दीवार को चाहिए और हाइट सिलेक्शन बस। अब कैमरा को बैठाएंगे प्रॉपर सीधा करके इस तरीके से, और फिर सी प्रेस करेंगे कैमरा,
और ये क्लिपिंग जो रेड वाला है उसको आप पीछे की तरफ लेके जाएंगे इधर से लगभग इतना। अब इसमें हम लोग एडजस्ट करेंगे, देखो हमारा इस रूम के अंदर में इतना सारा सीन देख पा रहे हैं, इसको थोड़ा सा क्लोज फील कर लेंगे और थोड़ा सा चाहे तो रोटेट कर सकते हैं साइड व्यू में। और ये सब प्रॉपर नहीं है, इसको अंदर दीवार के अंदर चली गई है, इसको थोड़ा बाहर निकाल देते हैं। हाँ अब ठीक है। हेलो सर, ऊपर की तरफ वो हाँ लाइट लग गई सर, वो क्या काम आती है? कौन सा लाइट बोलो, ये वाला लाइट, आईएस लाइट, ये सब। ऊपर 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 की तरफ। हाँ सर, हाँ ये वाला इसका फॉल्ट है जो स्टूडेंट सेंड किया, इसका लाइट आई थिंक फॉल सीलिंग में लगाया है, देखते क्या किया है ये। हाई सिलेक्शन, अच्छा अनहाइड ऑल, इसको ग्रुप में किया हुआ है, पहले ओपन कर लेते हैं। अब सर हाई उसने वेरे सिलेक्शन लाइट लगा करते रखी हैं। है और ज्यादा वो करने के हाँ लिए, ये वेरे शायद ये लाइट है गलत कर फॉल्स रखा है, सीलिंग में बड़े लगाने के लिए, फॉल्स सीलिंग में लगाया गलत कर है। रखा सर इसने। हाँ ये प्रॉपर नहीं है, इसको क्या करना चाहिए डिलीट कर था। दीजिए सर इसे, या फिर इसे रोटेट कर हाँ दीजिए नीचे को। एक सेकंड में देखता हूँ कैसे लगा इलेक्शन। ये देखो बेसिकली लाइट जो है ना ये ऊपर की तरफ जाएगी तो यहाँ से क्या हुआ लाइट फील करेगी, मतलब समझे ना, ये लाइट ऊपर की तरफ जाता है, जिस तरफ ये एरो रहेगा ना उस तरफ वो लाइट देती है। तो हम लोग को ये उल्टा अगर मान लो ऊपर से करेंगे तो हम लोग को अल्टीमेटली लाइट तो बाहर चाहिए, तो इसलिए हम लोग चाहो तो इसको तुम उल्टा करके रख सकते हो, इधर से भी लाइट आएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से भी लाइट आ जाएगी, लगभग इतना रखेंगे। बट ये दिखेगा कि नहीं से मैं देखते हैं अनहाइड ऑल ये सीन पे। हाँ ये सीन इधर साइड साइड से ये लाइट आएगा। तो एक तरीका और है ऐसे करने का भी, एक तरीका एक है तरीका, तो मान लो कि इसको हाइड कर लेते हैं, और एक तुम ले सकते हो यहाँ से ये लाइट को, हम लोग क्या कर सकते हैं स्केल करेंगे, या फिर यहाँ से एक ऑप्शन रहती है इसको हम लोग लेंथ को कम कर सर देंगे। रोटेट कर देंगे ना इसे तो, दोनों तरफ को, हाँ दोनों हाँ हाँ साइड, एकदम एकदम, ताकि उधर इसको को हम लोग लाइट कर नजर देंगे आ जाए परफेक्ट, कोव लाइट एकदम की तरह। राइट हाँ एकदम जी राइट, इसको हम लोग करेंगे 90 डिग्री तरीके में से। हाँ जी इधर पे, और फिर इसको हम लोग करेंगे या फिर मिरर कर सकते हैं हम लोग, यहाँ से एक बार में आ जाएगा कॉपी विथ मिरर, और इसको हम लोग इधर पे कर देंगे। ये भी एक तरीका है, तुम चाहो तो दोनों इसमें मैक्स में क्या है ना कि बहुत सारे टूल्स कमांड है, तुम जैसा चाहो वैसा तुम खेल सकते हो, जैसा तुमको मैं बेसिकली सीन हमारा रियलिस्टिक चाहिए, तो तुम चाहे तो ऐसा भी कर सकते हो चाहे वैसा भी, दोनों प्रॉपर ही दोनों ठीक ही है। तो कैमरा में जाके देखते हैं हमारा रेंडर पहले कैसा था। पहले तो ये सब चीज़ अनहाइड हो गया है, हाई सिलेक्शन जो किए थे इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, और फिर सिलेक्ट दीवार चाहिए, अब हाई सिलेक्शन, अब थोड़ा हैंग हो गया। हाँ अब चेक करते हैं हमारा सीन किस तरीके सारा, तो हम लोग F9 करेंगे, फिर हम लोग इसके अंदर में लाइट वाइट चेंजेस करेंगे, तो F9 करके देख लेते हैं क्या आ रहा है हमारा आउटपुट। सर सारे व्यू में सी प्रेस कर पूरा दीजिए सर। ब्लैक, अच्छा हाँ हो हाँ ये देखो पूरा ब्लैक आ रहा है। अब मेरे को समझ में आ गया कहाँ कहाँ इसका दिक्कत है, इसलिए फर्स्ट टाइम रेंडर करके देखना चाहिए कि कहाँ कहाँ तुम्हारे मिस्टेक समझ में आ गया। पहले तो ये जो लाइट है इसमें लाइट नहीं आ रही है सीलिंग में, वो ठीक करते पहले सबसे पहले तो मैं सीलिंग लाइट ऑन कराता हूँ, एम प्रेस करेंगे, और ये पावर देखो सिर्फ 2 दिया गया है, इसको हम लोग करेंगे इतना ज्यादा। सबसे पहले हम लोग F10 करके हम 100 लोग हाँ इसको ऑन करके हंड्रेड कर करेंगे। दीजिए हाँ सर। आप देखते हैं हमारा सीन कैसा आ रहा है, ये दुख लाइट आ गया, और थोड़ा सा और भी चाहे तो कर सकते हैं, एम प्रेस करेंगे मटेरियल साइड में। रोहित जी आपको समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत ही ना हो रहा है समझने में? समझ ओके ये देखो इसमें ना आईएस लाइट का लाइट नहीं आ रहा है, सिर्फ ये फिर लाइट मटेरियल से आ रहा है, तो इसको हम बढ़ाएंगे, और ये ग्रुप किया गया है, इसको हम लोग करेंगे यहाँ से ओपन, ग्रुप में जाके ओपन, और फिर लाइट को सिलेक्ट करके ये मैं F10 करके ले लेता हूँ, फिर से रेंडरिंग IPR, अब इसका हम पावर बढ़ा देंगे कहाँ से, एकदम नीचे से ये पावर है। अब देखो हमारा सीन में कुछ लाइट आएगी बस ये,
बस हम लोग को आईएस लाइट से नहीं जलाना है, अब हम लोग को पास विंडो के पीछे से भी एक लाइट चाहिए। देखो लाइट हमारा रूम कैसा आ रहा था, अब हमारा रूम कितना मतलब लाइट आ गया रूम के अंदर में, तो एक लाइट और आएगी वो है विंडो के पीछे। तो वो कैसे करेंगे सर, लाइट कैसा आया समझ में नहीं आया सर। वो लाइट आया है तुम्हारा पावर बढ़ाने से, ये आईएस लाइट है ना, इसका मैंने पावर के था मल्टीप्लायर। हाँ इंटेंसिटी वैल्यू ये लगभग मैंने इसको कर दिया 32,000। हाँ तो ये सबका इंस्टेंस क्या हुआ है, तो एक का चेंज करेंगे ना तो सबका चेंज हो जाएगा। मान लो इसका भी देखो सेम वैल्यू है, इसका भी सेम वैल्यू है, तो इंस्टेंस में करके रखोगे तो बहुत अच्छा होता है, ताकि तुम एक का चेंज करोगे तो सबका हो जाएगा प्रॉपर। अब हम लोग करेंगे विंडो का पीछे जो सीन लाएंगे, हम लोग का विंडो का पीछे भी लगाना है लाइट, वो लगाएंगे प्लेन लाइट। इसमें जाएंगे वीरे में और वीरे प्लेन लाइट ले लेंगे यहाँ से, और इसको हम लोग दो पार्ट में करेंगे ताकि हमारा लाइट प्रॉपर तरीके से हो। ये देखो दो, और इसको इंस्टेंस करेंगे ताकि हम लोग का एक वैल्यू एक बार में हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, एक बार फिर से इसको ऑन करता हूँ रेंडरिंग को, और एक विंडो का पीछे लाइट कम है तो इसका हम लोग बढ़ाएंगे इधर से इस तरीके से। अब एक चीज और करना पड़ेगा हम लोग को, वो ज्यादा हो गया 120 रखते हैं। अब हम लोग कैमरा का सेटिंग चेंज करेंगे, पहले एक बार देख लेते किस तरीके से रेंडर आ रहा है हमारे, एक बार पूरा प्रॉपर देख लेते हैं रेंडरिंग कैसा आया। सर कैमरे में नेचुरल कर दो ना, डेलाइट कर रखा होगा तो। हाँ कैमरा, अब हाँ अब कैमरा का सेटिंग चेक करते हैं क्या क्या कैमरा में किया हुआ है इस स्टूडेंट ने, तो कैसा हमारा सीन आ रहा है एक बार। सर काफी बढ़िया आ रहा है, और ये जो ग्रीन लाइन आ रही है ये ग्राफिक्स का कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है, बट फाइनल में ऐसा नहीं आएगा, ठीक हो जाएगा। किसी का ग्राफिक्स का अगर मान लो कि किसी का ड्राइवर अगर इंस्टॉल अच्छा से नहीं है या फिर प्रॉपर नहीं है, तो उसको ऐसे रेंडर में इस तरीके का आ जाता है ब्लू ग्रीन ग्रीन टाइप का। अब देखो फाइनल नहीं है तो सर आपका मतलब प्रॉब्लम है सर, अच्छे से इंस्टॉल नहीं है। हाँ नहीं नहीं ये जो जो स्टूडेंट किया है ना उसका में शायद प्रॉब्लम हुआ होगा, मेरा सर उसकी फाइल में है दिक्कत। हां उसका फाइल में, अगर मैं अपना रेंडर करूंगा ना तो देखो मेरा में नहीं होगा। सर मेरे रेंडर में कभी नहीं होता है सर, जैसा आप लोग जैसे मेरा में भी करो, देखो मेरा में नहीं होगा, फाइल में उसका है ऐसा। अच्छा अच्छा फाइल में होता है। हां ये देखो थोड़ा नॉइजनेस आ रही है सीन के अंदर में, नॉइजनेस दिखा दे किस तरीके से कम करते हैं नॉइजनेस को लग रहा है। नॉइजनेस दो तरीके दो टाइप से आता है नॉइजनेस, एक होता है लाइट का सबडिविजन कम होने की वजह से लाइट वो नॉइजनेस क्रिएट करता है, और दूसरा होता है कैमरा के पास से। तो मेरे ख्याल से लाइट में नॉइजनेस आया है, देखते हैं कितना नॉइज आ रहा है। ये लो में हो रहा है इसे टाइम लग रहा है, इसको हाई में करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। हाँ ये बेसिकली जितना तुम डालोगे जैसे कि प्रॉक्सी या जैसे कि मॉडल्स, बहुत सारे काफी बड़ा फाइल है, लगभग तुम्हारा 500 MB का फाइल है ये वाला, इसलिए टाइम लग रहा है क्योंकि इसमें बहुत सारा मॉडल्स लिया गया है। हाँ जो मैं तुमको देने वाला हूँ, और इसमें एक चीज़ और सिखा देते हैं, तो यहाँ पे कंट्रोल करेक्शन कंट्रोल में जाएंगे, यहाँ से हम लोग इसको बढ़ा सकते हैं, इसका ब्राइटनेस ये सब आ जाएगा। ये देखो हाँ ये सब भी हम लोग यहाँ कर सकते हैं, ये सब बेसिकली फोटोशॉप में होता है। तो मैं अब दिखाता हूँ पहले पहले जो जो मिस्टेक्स आई है हमारा, तो पहला मिस्टेक से हमारा ये कलरिंग करेंगे वॉल के अंदर में। वो सर पहले फॉल्स सीलिंग देखना है। हाँ वो भी देख लेते हैं, फॉल्स सीलिंग में वो कोव लाइट, हाँ उसने बनाई नहीं है शायद, जिनने भी मॉडल है शायद बनाई नहीं है फिर। और फिर इसको हम लोग जाते ऊपर में देख लेते हैं, शायद इसका जो मुख है वो नीचे में और दे देते हैं, ये ऊपर टचा हुआ है बहुत ज्यादा, इसे लाइट इसमें बाहर नहीं आ पा रहा है, इसलिए इसको हम लोग बराबर में रखते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ उतना ही रेंडर करेंगे, फटाफट हो जाएगा, और इसका पावर बढ़ा देंगे। पावर कैसे बढ़ाएंगे, ये देखो मैं उतना ही रेंडर करूँगा सिर्फ, ताकि हम लोग को टाइम वेस्ट ना हो, और इसका मल्टीप्लायर यहाँ से बढ़ाएंगे। सर ये वॉल आगे हो गई, सरक गई सर, वॉल आगे को हो गई, वॉल आगे हो गई, नहीं नहीं वॉल आगे नहीं हुआ, अनहाइड ऑल हो गया, मारेंगे। अब हमारा सीन आ रही है, पहले से काफी अच्छी आएगी,
और एक चीज फटाफट कर लेते हैं, हाँ मिस्टेक हमारा फॉल्सली में, इसको मैं वाइट नहीं किया, इसको भी मैं वाइट करूंगा, इंप्रेस करके पूरा वाइट। कौन सा लिए और इसको पूरा वाइट, थोड़ी सी रिफ्लेक्शन बस। अब देखो मजा आएगा सेंडर में, बहुत ही अच्छा आएगा। हाँ अब प्रॉपर आया, तो समझ में आया ना क्या क्या हम लोग चेंजेस किए रियलिस्टिक के लिए। हाँ जी सर, हमारा कैमरा से देखो ब्राइटनेस भी अच्छा आ गया है, लेकिन इसको मैं एक और कर लेता हूँ, ज़्यादा टाइम लगेगा रेंडर में, मैं इसको लो में कर दूंगा और ज़्यादा तो जल्दी हो जाएगा। F10 करके हम लोग इसको करेंगे, ये ठीक ही है। बेसिकली हम लोग करेंगे एक और चीज़ है, लाइट कैच है, इसको करेंगे 300, और ज़्यादा कुछ खास चेंजेस के लिए नहीं है इसमें। वेरी लो कर सकते हैं इसको एक बार, वेरी लो। अब देखते हैं अंदर करके, फटाफट होगा बट हमारा क्वालिटी थोड़ा सा खराब आएगा, हाई अगर हाई करोगे तो क्वालिटी अच्छा आएगा, टाइम वेस्टिंग लगेगा। ये फर्क है दोनों में, जो कितना फटाफट हो गया, वाह देख रहे हो, बट थोड़ा क्वालिटी खराब आएगी। उसका बेसिकली कोर्स है वो वीरे का ही, उसका वीरे ही क्लियर नहीं आ रहा था, वीरे हो गया उसका भी। हाँ ये देखो मॉडलिंग उसका अच्छा है, और ये जो गेट लगाया है वो सिर्फ मटेरियल लगा दिया है, यहाँ से कुछ बनाया नहीं डोर में, ये सिर्फ मटेरियल चिपका दिया इसके पास, और बाकी चीज बनाया है ब्लॉक छोड़ के। ये देखो हमारा सीन बहुत ही ज़्यादा रेंडर आया है, और हम लोग यहाँ से भी चेंजेस कर सकते हैं, इसका ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट बोलते हैं करेक्शन।